ज्ञान मंथन में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं रामायण के एक प्रमुख पात्र बानर राज बाली के बारे में। बताएंगे आपको इससे जुड़ी कुछ रोचक और खास बातें, जैसे कि आखिर क्यों बानर राज बाली नहीं जा सकता था ऋषिमुख पर्वत पर, आखिर क्यों उसने दबाया था रावण को अपनी बगल में, और मरते वक्त कौन सी तीन ज्ञान की बातें बताई थी अंगद को। पहले आपको बतला रहे हैं कि श्री राम को सुग्रीव ने दी थी बाली के कौन से पराक्रम और शक्तियों की जानकारी। दोस्तों, जब रावण सीता का हरण करके लंका ले गया तो सीता की खोज करते हुए रावण और लक्ष्मण की भेंट हनुमान से हुई थी। ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान ने सुग्रीव और श्री राम की मित्रता करवाई। सुग्रीव ने श्री राम को सीता की खोज में मदद करने का आश्वासन दिया। इसके बाद सुग्रीव ने श्री राम के सामने अपना दुख बताया कि किस प्रकार बाली ने बलपूर्वक मुझे यानी कि सुग्रीव को राज्य से निष्कासित कर दिया है और मेरी पत्नी पर भी अधिकार कर लिया है। इसके बाद भी बाली मुझे नष्ट करने के लिए प्रयास कर रहा है। इस प्रकार सुग्रीव ने श्री राम के सम्मुख अपनी पीड़ा बताई। भगवान ने सुग्रीव को बाली के आतंक से मुक्त दिलाने का भरोसा जताया। जब श्री राम ने सुग्रीव के शत्रु बाली को खत्म करने की बात कही तो सुग्रीव ने बाली के पराक्रम और शक्तियों की जानकारी श्री राम को दी। सुग्रीव ने श्री राम को बताया कि बाली सूर्य उदय से पहले ही पूर्व पश्चिम और दक्षिण के सागर की परिक्रमा करके उत्तर तक घूम आता है। बाली बड़े बड़े पर्वतों को तुरंत ही चढ़ जाता है और बलपूर्वक शिखरों को उठा लेता है। इतना ही नहीं, वह इन शिखरों को हवा में उछालकर फिर से हाथों में पकड़ लेता है। वनों में बड़े बड़े पेड़ों को तुरंत ही तोड़ डालता है। सुग्रीव ने बताया कि एक समय दुदुम्भी नामक असुर था। वह बहुत ही शक्तिशाली और मायावी था। इस असुर की ऊंचाई कैलाश पर्वत के समान थी और वह किसी भैंसे की तरह दिखाई देता था। दुदुम्भी 1000 हाथियों का बल रखता था। अपार बल के कारण वह घमंड से भर गया था। इसी घमंड में वह समुद्र देव के सामने पहुंच गया और युद्ध के लिए उन्हें ललकारने लगा। तब समुद्र ने दुदुम्भी से कहा, मैं तुमसे युद्ध करने में असमर्थ हूँ। गिरिराज हिमालय तुमसे युद्ध कर सकते हैं, अतः तुम उनके पास जाओ। इसके बाद वह हिमालय के पास युद्ध के लिए पहुंच गया। तब हिमालय ने दुदुम्भी को बाली से युद्ध करने की बात कही। अब आपको बतलाते हैं कि क्यों बाली ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आता था। सुग्रीव ने बताया कि बाली देवराज इंद्र का पुत्र है, इस कारण वह परम शक्तिशाली है। जब दुदुम्भी ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा तो उसने विशालकाय दुदुम्भी को बुरी तरह मार मार कर परास्त कर दिया। जब पर्वत के आकार का भैंसा दुदुम्भी मारा गया तो बाली ने दोनों हाथों से उठाकर उसके शव को हवा में फेंक दिया। हवा में उड़ते हुए सब से रक्त की कुछ बूंदें मतंग मुनि के आश्रम में जा गिरी। रक्त की बूंदों से मतंग मुनि का आश्रम अपवित्र हो गया। इस पर क्रोधित होकर मतंग मुनि ने श्राप दिया, जिसने भी मेरे आश्रम और इस वन को अपवित्र किया है वह आज के बाद इस क्षेत्र में ना आए, अन्यथा उसका नाश हो जाएगा। मतंग मुनि के श्राप के कारण ही बाली ऋषिमुख पर्वत क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता था। अब आपको बतलाते हैं कि मरते वक्त बाली ने अंगद को कौन सी तीन काम की बातें बताई थी। रामायण में जब श्री राम ने बाली को बाण मारा तो वह घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था। इस अवस्था में जब पुत्र अंगद उसके पास आया तब बाली ने उसे ज्ञान की कुछ बातें बताई थी। ये बातें आज भी हमें कई परेशानियों से बचा सकती है। बाली ने कहा, देश कालव भज स्वादेह क्षम मान प्रिया प्रिये सुख दुख सह काले सुग्रीव वंश गो भव। इस श्लोक में बाली ने अंगद को ज्ञान की तीन बातें बताई हैं। पहली है देश काल और परिस्थिति को समझो। दूसरी ज्ञान की बात है किसके साथ कब कहां और कैसा व्यवहार करें इसका सही निर्णय लेना चाहिए। और तीसरी ज्ञान की बात है पसंद नापसंद सुख दुख को सहन करना चाहिए और क्षमा भाव के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। बाली ने अंगद से कहा कि ये बातें ध्यान रखते हुए अब से सुग्रीव के साथ रहो। आज के समय में भी यदि इन बातों को ध्यान रखा जाए तो हर इंसान बुरे समय से बच सकता है। अच्छे बुरे हालात में शांति और धैर्य के साथ आचरण करना चाहिए। अब आपको बतलाते हैं बाली की वध की कथा। दोस्तों, जब बाली श्री राम के बाण से घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा तब बाली ने श्री राम से कहा कि आप धर्म की रक्षा करते हैं तो इस प्रकार मुझे छल
छल से क्यों मारा। इस प्रश्न के जवाब में श्री राम ने कहा कि छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की पत्नी और पुत्री, ये सब समान होती है और जो व्यक्ति इन्हें बुरी नज़र से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता है। बाली, तूने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी पर बुरी नज़र रखी और सुग्रीव को मारना चाहा, इस पाप के कारण तुझे बाण मारा है मैंने। इस जवाब से बाली संतुष्ट हो गया और श्री राम से अपने किए पापों की क्षमा याचना की। इसके बाद बाली ने अंगद को श्री राम की सेवा में सौंप दिया। इसके बाद बाली ने प्राण त्याग दिए। बाली की पत्नी तारा विलाप करने लगी। तब श्री राम ने तारा को ज्ञान दिया और कहा कि यह शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु से मिलकर बना है। बाली का शरीर तुम्हारे सामने सोया है लेकिन उसकी आत्मा अमर है, तो तुम्हें विलाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार समझाने के बाद तारा शांत हुई। इसके बाद श्री राम ने सुग्रीव को उसका राज्य सौंप दिया। अब आपको बतलाते हैं कि बाली ने आखिर रावण को क्यों दबाया था अपनी कांख में। दोस्तों, पृथ्वी तल के समस्त वीर योद्धाओं को परास्त करता हुआ रावण बाली से युद्ध करने के लिए आ गया। उस समय बाली संध्या के लिए गया हुआ था। वह प्रतिदिन समस्त समुद्रों के तट पर जाकर संध्या करता था। बाली के मंत्री तार के बहुत समझाने पर भी रावण बाली से युद्ध करने की इच्छा से ग्रस्त रहा। वह संध्या में लीन बाली के पास जाकर अपने पुष्पक विमान से उतरा तथा पीछे से जाकर उसको पकड़ने की इच्छा से धीरे धीरे आगे बढ़ा। बाली ने उसे देख लिया था किंतु उसने ऐसा नहीं जताया तथा संध्या करता रहा। रावण की पदचाप से जब उसने जान लिया कि वह निकट है तो उसने तुरंत रावण को पकड़कर बगल में दबा लिया और आकाश में उड़ने लगा। बारी बारी में उसने सब समुद्र के जल बारी बारी में उसने सब समुद्रों के किनारे संध्या की। राक्षसों ने भी उनका पीछा किया। रावण ने स्थान स्थान पर नोचा और काटा किंतु बाली ने उसे नहीं छोड़ा। संध्या समाप्त करके किष्किंधा के उपवन में उसने रावण को छोड़ा था उसके आने का प्रयोजन पूछा। रावण बहुत थक गया था किंतु उसे उठाने वाला वाली तनिक भी शिथिल नहीं था। उससे प्रभावित होकर रावण ने अग्नि को साक्षी मानकर उससे मित्रता कर ली। तो आशा करता हूँ बानर राज बाली पर बनाया गया हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर जो आपको हमारे चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है और आप ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद।